हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। आगे की जो है रिवीजन अपना शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड यूके एलटी ग्रेड के लिए हो गए हैं महत्वपूर्ण, अभी तक नहीं थे लेकिन अब हो गया है सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण। तो चलिए उसके कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम चैप्टर 5 पर हैं जिसमें मौर्य काल है, जिसका समय है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। चलिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पण था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखादत्त था। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? तो उसका आंसर हो जाता है मौर्य सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध को। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने की थी। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो बौद्ध का करता है। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध का करता है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो मागधी का किया है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला में भेजा था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों में। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। यह प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर या गया जो जिला है की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने किया। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाबरू स्तंभ। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने किया। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रकाशन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो प्राकृत भाषा है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो मित्र था। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के। किस प्राचीन नगर के अवशेष
कुम्भार स्थल से प्राप्त हुए हैं तो पाटलिपुत्र के। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देव नाम प्रिय की अवधि या सॉरी देव नाम प्रिय की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। यह क्वेश्चन भी काफी बार जो है पूछा गया है, अच्छे से आप लोग इसको भी पढ़ लें, नोट कर लें। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो वो कौन सा है? भाबरू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, वह था तक्षशिला। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख यहाँ पे जो है 13, शिलालेख कौन सा? शिलालेख 13 यानी शिलालेख 13, ये जो है रोमन लैंग्वेज होती है उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का आखिरी क्वेश्चन, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं किसकी उक्ति है? तो मेगस्थनीज की उक्ति है। और इसी के साथ जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं खत्म करती हूँ, आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तब तक इतने दोहराइए, वीडियो शेयर कर दिया कीजिए। 8 बजे से 9 बजे तक मेरी कला और जीके की लाइव ऑनलाइन क्लास रात में चलती है, तो प्लीज़ ज्वाइन करें आप लोग, और भी लोगों को बताएं। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।